What? ये किस्सा क्या कहलाता है? What's up guys, welcome back to my another video. You're watching Mind Man. आपका स्वागत है मेरी कॉर्नी वीडियो में. केम चौका सकाले. तो नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, रोम रोम भाइयों. तो आज का इंट्रो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो उसके लिए सॉरी. तो आज की जो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो का टॉपिक बताते हैं. तो आज ना ये मेरी वीडियो मतलब चैनल की हिस्ट्री का सबसे पहला स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है. तो आप लोगों को जैसा भी लगे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लाऊंगा. तो ये फिलहाल मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, मतलब स्टोरी टाइम का फर्स्ट वीडियो है. वैसे तो सब लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि थोड़ा सा गाइस नर्वस हो रहा ना, पहली बार वॉइस में बोल रहा हूँ, तो सिर्फ वॉइस में, कैमरे के सामने तो नहीं. तो सब लोग, मैंने ज़्यादातर यूट्यूबर्स का स्टोरी टाइम देखा है कि वो लोग बिना फेस कैम के डालते हैं. तो इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं वॉइस में डाल रहा हूँ, वरना मैं फेस कैम के साथ भी डाल सकता था, पर कोई दिक्कत नहीं. तो अभी आपको पता है कि मैं लिटरली मैं बनियान पहन के बैठा हूँ. तो क्योंकि स्टोरी टाइम बनानी थी ना, इसलिए. तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं. तो ये होने वाला है स्टोरी टाइम वन, मतलब पार्ट वन. तो पार्ट वन मतलब हम लोग एक टाइटल रखते हैं स्टोरी टाइम का. क्या रख सकते हैं? किस्सा है ये बातों का? नहीं नहीं, ये बात है कुछ जज्बातों की. नहीं नहीं नहीं, ये रिश्ता. ये किस्सा क्या कहलाता है. तो यही रख देते हैं टाइटल. वैसे बेसुरी आवाज़ में मैंने गाया, तो उसके लिए थैंक यू. गालियाँ पढ़नी चाहिए उसके लिए, पर कोई नहीं. आप लोग क्या कह रहे होंगे मन में, गालियाँ. भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी. तो गाइस मैंने ताली बजाई थी, उसकी आवाज़ आई है आपको. कुछ और आवाज़ मत समझ लीजिएगा. तो ना आगे चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं स्टोरी टाइम को. पता नहीं गाइस कितने मिनट का बने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये बात है एक दिन की, जब मैं जा रहा था स्कूल. हाँ गाइस, 5 साल पहले की बात है, जब मैं थर्ड में था. हाँ गाइस, अभी मैं 8th में हूँ, तो आप लोग गिन लीजिएगा कितने साल, क्योंकि अभी मैं मतलब वो हुआ है ना, पास हुआ ना मैं अभी 7th. तो ये बात थी 3rd क्लास की. एक दिन नॉर्मली मैं सुबह उठ रहा था, मतलब मम्मी ने उठाया. गाइस मम्मी उठाती होंगी सबकी, क्योंकि हम लोग तो ऐसे, अरे मम्मी अभी आधा घंटा और सोने दो, अरे मम्मी. फिर ना मम्मी ना पानी डाल के उठाती, मतलब मुझे उठाया था, आप लोगों को नहीं पता तो सॉरी, मुझे उठाया था मम्मी ने उस दिन पानी डाल के मुँह पे, क्योंकि उठ ही नहीं रहा था. मम्मी को गुस्सा आ गया, तो मम्मी ने पानी डाल के उठाया था. तो ना फिर मैं उठा, फिर आधे घंटे में, लिटरली आधे घंटे में कोई नहीं रेडी हो सकता होगा, मैं आधे घंटे में रेडी हुआ. अगर गाइस आप लोग रिलेटेबल है तो फिर गुड लक, मतलब गुड लक नहीं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग भी रिलेटेबल हैं. तो ना उस दिन मैं 20 मिनट में रेडी हुआ, क्योंकि 10 मिनट पहले स्कूल से निकलना होता है, मतलब घर से निकलना होता है स्कूल पहुंचने के लिए, वरना फिर जो मेरा सर है ना, वो दौड़ा दौड़ा के पीछे डंडे से मारते हैं. मतलब मजाक कर रहा हूँ, मतलब स्कूल गार्डन के, मतलब स्कूल का जो गार्डन नहीं मेरा, वहाँ पर ना 4 चक्कर दौड़ाते हैं, वो भी बिना रुके, अगर रुके तो फिर डंडा पड़ता है हाथ पे. और हाँ गाइस, मेरे सर, मतलब मेरे स्कूल वाले ना इतने तेजस्वी कि ना नेल कटर भी रखते हैं, मतलब जैसे अगर नाखून नहीं कट हुए ना, तो नाखून कट कर देते हैं खुद ही. तो मैंने ना एक ट्रिक बता ली थी, घर पे नाखून काटने नहीं पड़ते, स्कूल जाओ सर से कटवा लो. मम्मी भी यही कहती थी, यहाँ घर पे मत काटो, स्कूल में जब कहेंगे स्कूल ही में काट लेना. तो ना मैं बढ़िया सर से कटवा लेता था. तो उस दिन ना मैं सीढ़ी, मतलब पहले गया मैं, सर के पैर छुए, नेल्स दिखाए, फिर सर ने नेल्स काटे, है ना. लेट नहीं हुआ था उस दिन भी मैं. तो
तो एक नॉर्मल दिन की तरह मैं पैर छू के सर के ऊपर जा रहा था। फिर ना मैं अपनी क्लास में गया, नॉर्मली मैं बैठ गया, अपने दोस्त के साथ ही बैठा था, बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो एक लड़का ना, मतलब वो विलनी टाइप का इस वीडियो में, एक लड़के ने मुझे ना तमाचा मारा, मतलब आपकी लैंग्वेज में पीछे से टपली बजा के चला गया, ठीक है। तो ना मैंने उसे देख लिया था, तो मैंने उसको इतनी तेज़ मारा कि वो रोने लगा। उसने भी गाइस इतनी तेज़ मारा था कि मेरे आंसू निकल गए थे, लेकिन मैंने बदला लिया था ना। कोई भी गाइस उस समय होता तो उसको मार ही देता, और मारा भी कहाँ था, तेजस्वी जगह पे। कहाँ गाइस, आप तो गैस करिए, गैस करके कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग कर सकते हैं। तो उसने ना मुझे मारा तो वॉशरूम में, सिर्फ एक तमाचा। फिर मैंने जो उसको हौका है ना, आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे, इतनी तेज मारा था उसने, तो फिर भी मेरे पीछे मारा था, उसके गाल पे हना दिया था, मतलब हन दिया था। तो फिर ना वो दौड़ते हुए मैम के पास गया, रोते हुए कहा उसने मुझे मारा है, ये वो है। तो मैम भी नहीं मानी उसको, मैम को पता था कि वो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, है ना। तो मैम ने भी नहीं माना। फिर ना फिर उसने बदला लेने के लिए मैम से झूठी शिकायत बताई थी नेक्स्ट पीरियड में, मतलब लंच के बाद। ये लंच में हुआ था वैसे, जो भी था, क्योंकि लंच में ही भीड़ रहती है ना। तो पता नहीं फालतू में, मतलब क्या सनक गया था लग रहा है उसका दिमाग। ये गाइस आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो आप लोग बच के रह सकते हैं। और हाँ गाइस, मेरा जो भैया लोग थे ना गाइस, इतने तेजस्वी गाइस, क्या बताऊँ, वॉशरूम में जाके बीड़ी पी रहे खुलेआम, टीचर्स भी नहीं कुछ कह रहे। तो मैंने ना उस वॉशरूम में जाने ही बंद कर दिया था। तो हम लोग मेन स्टोरी लाइन पे आते हैं। फिर ना उसने झूठी शिकायत बताई कि क्या बताई थी, याद नहीं आ रहा, रुकिए एक सेकंड गाइस। ये ना स्टोरी टाइम एकदम रियल है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता रहा हूँ मैं, मतलब डिटेल में, एकदम डिटेल में। तो फिर ना फिर उसने बताया कि इस क्लास टीचर से बताया कि ये मुझे परेशान कर रहे, पढ़ने नहीं दे रहा, और मैं बॉक्स चुरा लिया। फिर गाइज मेरी ना सटक गई गाइज लिटरली, है ना। मैम ने फिर मुझे एक तमाचा दिया, फिर ना सनक गई गाइज मेरी। और जब मेरी सनक गई, तब उसकी गाइज आप समझ लीजिए, नेक्स्ट पीरियड में इंचार्ज मैम आई, क्योंकि वो नेक्स्ट पीरियड में इंचार्ज मैम आई थी, और वो वहाँ पे बैठी हुई थी। फिर ना मैंने उसका बॉक्स ले लिया, है ना, जैसे कि उसने कहा था, बॉक्स ले जाके आगे रख दिया, और उसको लगा कि मैंने लिया है, क्योंकि मैं हंस भी रहा था उसके सामने जानबूझ के। अभी आपको स्टोरी में आगे थोड़ा सा पता चलेगा क्यों ऐसा। तो मैंने उसका बॉक्स लेके आगे जाके रख दिया। एक डिब्बा टाइप का होता था गाइज, मतलब अभी भी होता है मेरे क्लास में, कि जिस जहाँ पे तो आपको कुछ पढ़ा हुआ मिले तो आप वहाँ पे जाके रख दीजिए। जो लास्ट पीरियड में ना मैम आती थी, मैम सबसे पूछती थी ये आपका है ऐसे करके, हाउ इज दिस, ऐसे फलाना ढिमकाना। तो मैंने रखाया, उसको लगा मेरे पास है, मैंने छुपा लिया। बगल ही में जार्ज मैम थी, है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। उसने उन मैम से बताया, फिर मतलब बगल ही में वो इंचार्ज मैम बैठी थी, और वो मुझे अच्छे से जानती थी कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। और उसने, मतलब कटर ने, मतलब इस कहानी में उसका नाम कटर रख देते हैं। तो कटर ने इंचार्ज मैम से कहा कि मैंने चुराया है। तो गाइज मैम मुझे अच्छे से जानती थी, तो मैम ने कहा नहीं, इसने नहीं चुराया है। तो हमने कहा मैम मैंने भी नहीं चुराया, मतलब मैंने कहा था उससे कि मैम ब्लेम कर रहे हैं मुझ पर कि मैंने चुराया, लेकिन मैंने नहीं चुराया। तो फिर मैम भी विश्वास कर रही थी, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानती थी। तो फिर ना क्या हुआ कि फिर मैंने उसे फंसा दिया, कहा मैम अगर हमने चुराया होगा ना तो मेरे बैग वैग में होगा, हमको लग रहा है मैम आगे रखा हुआ है, है ना। तो मैम ने कहा कि इनके बैग में चेक करो, मतलब मेरे बैग में चेक करो, अगर निकला तो अंश दूंगा, मतलब उसने कहा
कटर ने। अब मैम ने कहा कि तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी, सबके सामने क्लास में 50 सिटअप्स करने पड़ेंगे, है ना, और वन स्लैप भी। तो यही सेम पनिशमेंट कटर के लिए भी थी। तो ना मैंने अपना बैग चेक करा है और एब्सोल्युटली मेरे में कुछ निकला ही नहीं, मेरे बैग से कुछ नहीं निकला, क्योंकि वो आगे रखा था और मैम ने उसको आगे भेजा तो आगे निकल आया। अब गाइस उसकी फट रही है पूरी क्लास में। तो गाइस उसको मैम ने आते ही दो तमाचे दिए, जबकि मैम ने कहा था एक देंगे, और गाइस 50 सिटअप्स करने को गए, और गाइस पूरे मतलब पूरे दो पीरियड उसको खड़ा रखा। गाइस जब मेरी सटक गई थी गाइस मेरी, तो मैंने ऐसा किया था। वैसे अगर आपको कोई परेशान करता है आप टीचर से शिकायत कर सकते हैं, पर उसने ऐसे बदला लिया था तो मैंने ऐसे बदला ले लिया। तो उसके बाद से आज तक के वो मेरे से कुछ बोला ही नहीं, मतलब वो अगले साल ना स्कूल ही चेंज करके बदल गया, मतलब भाग गया। अब पता नहीं मेरे डर से भागा था कि पता नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, के एम चुका सर, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।